नमस्कार, मैं उदय एमके न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के हजरतगंज स्थित 5 मंजिला बिल्डिंग मंगलवार शाम को गिर गई। आपको बता दें कि मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, और साथ ही 12 घंटे से बचाव ऑपरेशन भी लगातार जारी है, और अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही मौके पर एनडीआरएफ के साथ आर्मी टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ के हजरतगंज स्थित 5 मंजिला अलाया बिल्डिंग मंगलवार शाम को अचानक से गिर गई। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के गिरने से कई लोग इस बिल्डिंग के मलबे में दबे हैं, और बचाव दल भी मौके पर मौजूद है। तो करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर कई विभागों की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ के साथ ही आर्मी की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं, और राहत और बचाव कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब 5 मंजिला इमारत जब गिरी, तो मौके पर आप देख सकते हैं कि बचाव दल की टीमें मौजूद हैं। तो हादसा मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे के आसपास हुआ है। आपको बता दें कि मौके पर कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं, साथ ही स्टेट चैनल हेड वकार वारसी भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले रुक करूंगा अविनाश का। अविनाश, फिलहाल अभी तक कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा और क्या कुछ स्थिति है? देखिए उदय, कल हमने आपको बताया था अलाया बिल्डिंग जिस तरीके कल उसमें दबे हुए थे, जिनका जा रहा था एसडीआरएफ की टीम हो या फिर लखनऊ पुलिस यहां पर मौजूद है, कर रही है कि तमाम जिंदगी उन बिल्डिंग के किन चल रहा है। हम आपको तस्वीरें भी वो दिखाएंगे कि अभी भी 15 घंटे हो चले हैं, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और तमाम उन जिंदगियों को बचाने की जंग अभी भी जारी है। यहाँ पर आप ठीक पीछे अगर देखेंगे तो जेसीबी से खुदाई कर अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की जो सूचना हम लोगों को जो है अभी पिछले कुछ देर पहले जो है यहाँ पर मौके पर लखनऊ कमिश्नर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था कि कुछ लोग और इसमें दबे होने की आशंका है, जिसके चलते आज जो जेसीबी से यहाँ की खुदाई की जा रही है ताकि जो लोग इसमें अगर नीचे फंसे हो तो उनको सुरक्षित निकाला जा सके। हालांकि प्रयास कल से पुलिस प्रशासन का यही रहा है कि लोगों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला जाए। अभी तक 16 लोगों को इस मलबे से सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन इसमें 2 महिलाओं की अभी तक मौत हो चुकी है। आपको बताया ये पूरा मामला हजरतगंज के अलाया अपार्टमेंट का है, जो हजरतगंज इलाका चारों तरफ यहां से आपको अगर दिखेगा तो ये कंजेस्टेड पूरा एरिया है, जो कि जिस तरीके बिल्डिंग है एकाएक जो है हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि जो है लखनऊ में जिस तरीके से भूकंप आया उसके बाद ये बिल्डिंग गिरी, लेकिन नहीं, बेसमेंट में कुछ काम चल रहा था जिसके कारण ये इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि मौके पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी यहाँ पर पहुंचे थे, एसएस होम भी यहाँ पर पहुंचे थे, डीजीपी भी यहाँ पर मौके पर पिछले 15 घंटों से यहाँ पर मौजूद है, लखनऊ पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है। हम इसको समझने के लिए हम आप रुख करेंगे हमारे स्टेट हेड प्रकाश वारसी सर से। कल से लगातार अभी तक की ये घटना देखी, जिस तरीके से कई लोग दो महिलाओं की मौत हो गई और 16 लोगों को अभी तक बाहर निकाला गया, अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कैसे देख रही? मेरा सबसे पहले तो मानना है कि इस बिल्डिंग में लगभग 13 फैमिलीज रह रही थी, और मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि इस बिल्डिंग की हाइट जो करीब 4 से 5 मंजिल थी वो आज आप बराबर की बिल्डिंग देख सकते हैं, जो 4 फ्लोर की थी, 4 फ्लोर की ग्राउंड पर 3 फ्लोर की आपको दिख रही है, इससे भी ज्यादा ऊंचाई की वो बिल्डिंग थी जो इस वक्त धराशायी की हुई। एकदम आप देख रहे हैं एसडीआरएफ की फोर्स अभी भी काम कर रही है, और इस एसडीआरएफ की फोर्स जिस लेवल पे सतह पे जमीन के खड़े हैं, इसके करीब 5 मंजिल ऊपर तक हाइट तक ये इमारत खड़ी थी कल शाम 7:45 बजे तक। और मेरा मानना है कि 15 लोगों का रेस्क्यू कराया जा चुका है, और इन 15 लोगों के रेस्क्यू में अविनाश, मैं जितने भी लोकल लोगों से मैंने अभी आसपास की बात की, जो कबाड़ वाले यहाँ आते थे, जो लोग यहाँ पे जो काम चल रहा था ग्राउंड फ्लोर पे, जो कुछ लोगों का कहना है कि उसमें पार्किंग की जगह बनाई जा रही थी, कुछ कह रहे हैं कि पानी इकट्ठा हो रहा था बिल्डिंग में, इस वजह से काम चल रहा था, तो
प्रशासन की जो कार्रवाई है वो अपनी जगह चल रही है। और हमने एक चीज देखा, लखनऊ विकास प्राधिकरण अभी इंद्रमणि त्रिपाठी पर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस तरीके की जिस तरीके की बिल्डिंग आपने बताया कि धराशाई हो गई, बराबर की बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये बिल्डिंग जिस तरीके से चार मंजिला के बनाए गए थे, बताया जा रहा है कि इसमें दो मंजिला के उल्पास था, उसको बढ़ाकर चार मंजिला कर ले, तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की मिली भगत के मजाक। हम जहाँ पे खड़े हैं इस वक्त और कल रात से इतना सीरियस मैटर लखनऊ के अंदर आपने देखा कि चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हो, चाहे स्वयं डीजीपी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर लखनऊ और लखनऊ की सारी पुलिस, मैं सारी इकाइयों के एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के, उसके अलावा भी लखनऊ की सारी सारे लोगों ने कल शाम से जान लगा दी कि रेस्क्यू करके हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा लें। लेकिन मैं फिर से कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एनडीए की मक्कारी अगर दिखानी है तो आप देख सकते हैं कि जितनी इमारतें आपको दिख रही हैं, ये जितनी इमारतें सैकड़ों की तादाद में आपको दूर तक दिख रही हैं, इस छोटे छोटे इतने से ज्यादातर छोटे छोटे बिल्डिंग हैं जो चार फ्लोर, साढ़े चार फ्लोर, पांच फ्लोर, जिनका मतलब स्टैंडर्ड साइज है, आप देख सकते हैं कि इतनी बिल्डिंगे हैं और ये कोई भी आम जनमानस से आदमी नहीं मानेगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा कि बगैर एनडीए की मिली भगत के इतनी बड़ी जो है वो एक चार पांच साल के समय तक निर्माण कार्य चलता हो और उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण, आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है ये गोमती नदी से सटा हुआ इलाका है। सामने मैं कैमरा पर विजुअल दिखाएं आपको कि कितने ज्यादा सीजन आता है नो सॉइल एरिया है जहाँ पानी भर जाता है और डेढ़ डेढ़ फ्लोर तक जो है वो एक एक माले तक लोगों की पूरी इमारतें घर पानी में डूब जाती हैं। ऐसी लो सॉइल एरिया पे के करीब एलडीए ने जिस तरीके से आप, मैं कैमरा पर्सन रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों तरफ दिखाएं कि हर तरफ बिल्डिंगें जो है वो जाल की तरह, मकड़ी के जाल की तरह भर रही हैं। इसलिए से एलडीए का जो प्रवर्तन दल होता है उससे छुड़ाने के लिए ये बगैर एलडीए के तो पॉसिबल नहीं है अविनाश। मैं उदय जी का जो है रुकना चाहूंगा। उदय, जिस तरीके से जी लखनऊ विकास प्राधिकरण में, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरह इंद्रमणि त्रिपाठी वो अपने सपनों का आसियाना बना रहे थे, उन पर इनकम टैक्स की नोट जी तकरीबन कई करोड़ रुपए की लागत से अपना उन्होंने निर्माण कराया, तो कह सकते हैं कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वह भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, तो उसी का नतीजा है कि ये जो बिल्डिंग आपको नीचे धराशाही दिख रही है, चार मंजिला बिल्डिंग आपको जो धराशाही नीचे दिख रही है, यही नतीजा है कि इतनी बड़ी लापरवाही के चलते तमाम अभी भी इस मलबे में दबी हुई है। जी अविनाश, अगर बात करें तो जिस तरह से ये बिल्डिंग गिर गई है, और ऐसा और वकास जी का भी यही कहना है कि इस बिल्डिंग को बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं भूकंप के वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर वकास जी को ये भी जानकारी मिली है कि बिल्डिंग में कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था जिसके चलते ये बिल्डिंग गिरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले क्या प्रशासन से परमिशन ली गई है? इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग में जो ये बिल्डिंग बनाई गई, क्या कमर्शियल यूज के लिए बनाई गई थी या रहवासियों के लिए बनाई गई थी? देखिए, आपने परमिशन की बात की, तो पर जब कोई घटना होती तो उसके बाद जो अधिकारियों पर गाज गिरती या कह सकते उन पर कार्रवाई के लिए जांच बैठाई जाती, लेकिन इतना बड़ा हाथ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें तमाम अधिकारियों के मिली भगत के कारण दो मंजिला इमारत को पांच मंजिला इमारत बनाया जाता, उसके बाद इतनी है। तो ये कह सकते हैं कि तमाम जो जिम्मेदार हैं वो इस बार अगर जांच होती है तो उसके दायरे में होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। आपको बता जी ना हुई और किस तरीके कितने लोग थे वहां पर? हम लोग चार पांच लोग खड़े हुए थे, ये रेडियो डिपार्टमेंट है उसी के पास में, सामने हमारा बेटा भी पढ़ता है सीएम स्कूल में। पौने तीन बजे करीब स्कूल में भी अलर्ट आया कि जो है भूकंप को झटका आया है, तो सारे बच्चों बाहर कर दिए। तो मैं तो फिलहाल रियल एस्टेट का ही काम करता हूँ, तो यहाँ फ्लैट दिखाने के लिए आया था। कितने लोग अंदर इस पूरे अपार्टमेंट में रहते? अभी तक 16 लोगों को बाहर रेस्क्यू किया गया, दो की मौतें हुई, अभी आशंका है कि कुछ लोग नीचे दबे हुए हैं। बिल्कुल, हमको तो लगता है क्योंकि जिस हिसाब से बिल्डिंग में इसमें टोटल 12 फ्लैट थे, ऊपर एक पेंटा हाउस था, इसको मिला के लमसम 14 फ्लैट होते हैं। तो 12 फ्लैट में जिसे बता रहे, हम भी देख रहे न्यूज में, 14-15 लोग को निकाला गया है, दो लोगों की मृत्यु हो गई। हमको लगता है कम से कम 60-65 लोग हो गए।
तो जो चश्मदीद है वो उनका 65 लोग जी 17 लोगों को केवल रेस्क्यू किया गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। सर है, हम सर से समझना चाहेंगे सर, जिस तरीके से जो है अधिकारियों का अभी जो बयान आया है उसमें कह रहे कि अभी कुछ लोगों के दबे होने की संख्या, लेकिन संख्या अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। पूरे समीकरण को कल से लगा के आज तक ये जो घटना हुई उसे कैसे देखते हैं? देखिए अविनाश, मैं अपने दर्शकों को एमकेएन के ये बताना चाहूंगा कि ये ढांचा महज सीमेंट और बालू का नहीं था जो कल गिरा, ये बेईमानी का वो ढांचा था लखनऊ विकास प्राधिकरण का, जो सालों साल से चलता चला आ रहा है। आज जो आवाजें आप सुन रहे हैं ड्रिलिंग की, तो वो जरूरत पड़ी कि 2 मौतों से अभी औपचारिक 2 मौतें हो चुकी हैं इस बिल्डिंग से, कल से लेकर के अब तक 2 रस्सी में निकाले गए। लेकिन टाइम फेयर से कुछ लेबर काम कर रहे थे, कुछ लेबरों से आपने बात भी की अविनाश, जो दो लेबर दो लेबरों से मैंने बात की, तो उनका कहना था कि हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए हम आए थे, लेकिन अभी भी कुछ और लेबर यहाँ पर फंसे होने की, जिनकी संख्या तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 10 से 12 लोगों की संख्या यहाँ हो सकती है। बिल्कुल 10 से 12 लोगों की संख्या है। कमिश्नर पुलिस लखनऊ नो डाउट कल रात से कल शाम से मौके पे बने हुए हैं डीजीपी के साथ, लेकिन अपने कमिश्नर का सर बताना चाहेंगे, कमिश्नर का एक और बयान है, कमिश्नर का ये बयान है कि संभवतः जो लोग अभी नीचे दबे हुए हैं शायद उसमें से कोई भी जीवित ना हो, इसे कैसे? कमिश्नर इशारों इशारों में, लखनऊ पुलिस कमिश्नर इशारों इशारों में मीडिया को और लोगों को ये बता के चले जा चुके हैं कि अब अंदर जो लोग मिलेंगे इस मलबे के वो संभवतः शायद हमारे बीच ना हो, जीवित ना हो। तो मैं फिर से आपको वहीं ले चलूंगा कि ये लखनऊ विकास प्राधिकरण जो बेईमानी का दफ्तर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, और मैं कहूंगा कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री की नाक के नीचे लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार बिल्डरों पे शिकंजा कस के ये दिखा देता है कि कैसे वो अपनी गर्दन इस बेईमानी के धंधे से बाहर निकाल लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फैसला देखने वाला होगा, लखनऊ नहीं पूरे प्रदेश के लोगों के लिए, कि अगर जिन जूनियर इंजीनियर्स ने, जिन एक्सएम ने, जिन असिस्टेंट इंजीनियर्स ने, एई ने, और जिनकी रिपोर्टें लगातार शासन को एलडीए को जमा करी जाती हैं, जिनके सर्वे जमा होते हैं ऑन रिकॉर्ड, वो क्या सो रहे थे आंख मुझे 15 सालों से? क्योंकि ये इमारत अविनाश आज की ये 2 साल की 3 साल की इमारत नहीं है, इस इमारत को खुद एलडीए ने कबूला है अपनी एफआईआर में, लखनऊ पुलिस ने जो अपनी तरफ से एफआईआर कराई है कि ये 2009 की इमारत है। जी जी। तो इस हादसे को सिर्फ इस बात से नहीं खत्म करके पल्ला झाड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने हालांकि जांच कमेटी का गठन किया है, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण और खुद रोशन जेकब जो कि तेज चल्लार महिला आईएएस अधिकारी है, उनके हाथों में ये जिम्मेदारी दी गई है, मंडल आयुक्त है लखनऊ की, ताकि इस पूरे मामले की जांच हो, जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। हम रुक करेंगे उदय जी का। उदय जी, जिस तरीके से आपने जाना कि कल से लगा के अभी तक इस पूरे मामले में जो भी, चाहे जांच की अगर बात करें या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें या फिर तमाम जो उत्तर प्रदेश के मंत्री और उप मंत्री यहाँ पर घटना स्थल पहुंचे थे और लोगों का जायजा लिया था कि जी उदय अविनाश, अगर बात करें तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि अभी भी मौके पर बचाव कार्य जारी है, ऐसे में जो लोग अंदर फंसे हैं उनको किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो लोग दबे हैं खासकर उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी वहां पर, तो किस तरह से उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और फिलहाल कितने लोग और अभी निकल सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपसे समझ जाऊंगा कि जब ये घटना हुई है तो क्या इस घटना की जाँच के लिए जाँच टीम का गठन होगा, और इसके अलावा क्या अब प्रदेश में एक बार फिर से सरकार ऐसी इमारतों को चिन्हित करेगी जो जो अपने मानकों के ऊपर खरी नहीं उतरती हैं? देखिए उदय, आपने जो है ऑक्सीजन का जिक्र किया कल रात, कल देर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास यहाँ पर, हालांकि आपको बता दें कि पूरा पुलिस अमला यहाँ पर मौजूद था, खुद डीजीपी, कमिश्नर, मंडल आयुक्त, डीएम, वीसी सभी यहाँ पर देर रात मौजूद थे, और देर रात तकरीबन सिलेंडर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी, उसी का नतीजा था कि 2 लोग जो आज सुरक्षित सुबह निकाले गए, जो बाहर निकाली गई थी, उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जिस तरीके से आपने बात की, तो यहाँ पर तो मौके पर रात में मंगाया गया था, लेकिन अभी जो स्थिति यहाँ पर है वो इस तरीके से है क्योंकि ये हजरतगंज का जो इलाका है पौष इलाका माना जाता है, आप देख रहे कि ये जिस तरीके से 5 मंजिला बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है, सेफ इसी के बराबर से ये बिल्डिंग थी, और जब ये गिरी तो किस तरीके से आपको देखो कितने टुकड़ों में आपको ये यहाँ पर मलबा दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर बचाव कार्य के लिए SDRF, इंडियन आर्मी, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के
मौजूद है, अभी भी रेस्क्यू का काम यहाँ पर जारी है। खुद मौके पर लखनऊ कमिश्नर, डीजीपी और कह सकते हैं जिला अधिकारी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार दो बार दौरे कर चुके हैं, चाहे सिविल अस्पताल में जो घायल लोग हैं उनका हालचाल जानने के लिए, या फिर घटना स्थल पर तरीके से बचाव कार्य जारी है उसको लेकर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है, बनाई है, जिसमें तमाम जो अधिकारियों को वह उसमें जिक्र किया है, और उस जांच की जाएगी कि और किस तरीके के लोग इसमें, अगर इस घटना इतनी बड़ी घटना हुई तो आखिर कौन जिम्मेदारी, किस तरीके से उस पर जो है जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इतनी बड़ी जो लापरवाही है वो कैसे हुई। जी अविनाश, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, जिस शख्स की ये बिल्डिंग है उस शख्स पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, इसके अलावा जो घायल है फिलहाल उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? देखिए, घायलों को अगर बताए तो सिविल हॉस्पिटल जो कि नजदीक है यहाँ से कुछ ही दूरी पर, और साथ ही मेडिकल कॉलेज जो इनकी हालत ज्यादा गंभीर, वो मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर शिफ्ट कराया गया, और कुछ लोगों को, 7 लोगों की जो संख्या है वो लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। हालांकि कुछ लोगों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है, जिसमें से आज सुबह जिन 2 महिलाओं को जो है रेस्क्यू कर सिविल हॉस्पिटल लाया गया था उनकी मौत हो गई। साथ ही जो 7 लोगों की हमने जिनका जिक्र किया उनकी हालत अभी कुछ लोगों की गंभीर बताई जा रही है, लेकिन उनका उपचार चल रहा है अभी। जी अविनाश, अंतिम प्रतिक्रिया मैं वकास जी से लेना चाहूंगा, वकास जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को कि आखिर कब तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हो पाएगा? जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से पूरा वाकया कल से लगा थे आज तक जितनी घटना हुई उसमें जांच की बात कही जा रही है, तमाम लोग जो अभी घायल हैं और 2 लोगों की जो मौतें हो गई, कुछ लोगों का ये भी कहना है, समाजवादी पार्टी के सपा विधायक है रविदास, उन्होंने ये कहा कि अगर समय रहते रात में ही अगर जो टीमें थी अगर उसको रेस्क्यू करके रात में निकाल लिया जाता तो शायद जो 2 जिंदगियां हैं वो बच जाती। देखिए, पार्टी विशेष का तो कोई अविनाश इसमें रोल रहा नहीं, क्योंकि जिन बिल्डर के खिलाफ FIR हुई है वो खुद समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री के बेटे हैं, और अफसोस ये है कि जो 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 लोग सिविलियंस इस बिल्डिंग में थे, जो अभी तक की आसपास के लोगों का आपने आम लोगों से बात की आस पड़ोस के, उन्होंने आपको बताया कि उनके अंदाजे से 50 से 60 लोग इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अंदर थे, क्योंकि ये समय 7:45 का वो था जब कोई बैंक एम्प्लॉय भी वहां अंदर है और जिसके फंसे रहने की आशंका अभी तक की है, वो अपने किसी क्लाइंट से बैंक की तरफ से मिलने आए थे, 2 व्यक्ति पुलिस कमिश्नर लखनऊ कह रहे हैं 1 व्यक्ति, लेकिन वही थे जो उस समय बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी फ्लैट में आए थे अपने क्लाइंट से मिलने। आपका सवाल है कि समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी का यह आरोप है, ये दरअसल कल रात से या कल शाम से घटना शुरू ही नहीं हुई है, घटना तो जिस समय से वहां पे काम हो रहा था, अव्वल तो वहां का काम जो भी सिविल वर्क हो रहा था तो वो लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र की इमारत थी, वहां परमिशन लेना बहुत जरूरी थी। दूसरा, ये जो सर्वे करने के लिए JEE और इतना बड़ा अमला जिसको सरकार एक हैंडसम सैलरी बांटती है, ये क्या सिर्फ अपनी फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल पे मूव करने के लिए क्या वहां बैठे हुए, क्या इनका काम नहीं है कि लोकल लेवल पे क्या, अगर एक मैं आपको बता दूं कि CRPC में 133 की एक कार्रवाई होती है कि यदि कोई इमारत वो इतनी जर्जर हो चुकी है जिससे जनहानि हो सकती है, लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, तो सरकार सुओ मोटो पे उस बिल्डिंग को, उस इमारत को, उस पुरानी जर्जर इमारत को गिरा सकता है। ये 133 CRPC की कार्रवाई संविधान में है, लेकिन इसको अमल में लाने के लिए हमारे इन महकमों में ईमानदारी बहुत जरूरी है, और चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या जो एक समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े होने वाला लेबर हो जिसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा, जिसकी पत्नी जिसका बच्चा उसका इंतजार कर रहा होगा कि अब काम खत्म। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने 2 लेबरों से अभी बात की जो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन थे काम करने आए थे, लेकिन जो एक बात कही जा रही कि यहाँ पर ड्रिल किया जा रहा था, खुदाई की जा रही थी, धमक की आवाज के बाद ये बिल्डिंग एकाएक धराशायी हुई, उनमें क्या कुछ 2-4-5 दिन, और हमने जब यहाँ पे लोगों से जानना, स्थानीय लोग जो चश्मदीद थे उनका ये कहना था 2 दिन पहले यहाँ पर काम चल रहा था जिसमें 15 से 20 लेबर यहाँ पर काम कर रहे थे, अभी किसी तरीके कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या वास्तविक केवल 2 लोग या 5 या उससे अधिक लोग अभी इस मलबे के नीचे दबे, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है आप भी देख रहे हैं, लेकिन अभी किसी तरीके का आधिकारिक बयान नहीं आया है कि जो संख्या है, चाहे वो घायलों की संख्या हो,
मृतकों की संख्या का तो अभी जो जिस तरीके से सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने जारी किया, लेकिन अभी तक आकलन नहीं लगाया था कि कितनी संख्या इस पूरे बिल्डिंग में रही, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। सवाल बहुत अच्छा है और समाज की आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लिए ये सवाल है। मैं प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से MTN के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा और जिनके कानों में मैल है, जिनको आवाज अभी तक नहीं आ रही है, उन तक उनके कान तक ये आवाज ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वो गरीब व्यक्ति वो लेबर अगर उस मलबे में है जिस मलबे में अभी भी ड्रिलिंग मशीनें तमाम SDRF और नगर निगम की टीमें काम कर रही हैं, तो उनका किसी भी हालत में रेस्क्यू जल्द से जल्द कराया जाए। हमारी प्रार्थना हमारी दुआ यही है कि लोग ना हो लेकिन आसपास के लोगों के इनपुट के मिले हुए इनपुट के अनुसार हम यही मानते हैं कि अभी इसमें 8 से 10 लोग और हैं और जिनके परिवार जन इस स्थिति में नहीं है, यही वो बाहर के लेबर हैं। जी सर, रुकना चाहेंगे, यही अनुमान यहाँ के जो इलेक्ट्रीशियन जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो उनका भी यही मानना था कि तकरीबन इतने लोग ही अंदर अभी भी फंसे होने की आशंका है। हम उदय जी का जिक्र रुक करेंगे। जी अविनाश जी, जिस जी आप कुछ कह रहे थे अविनाश। अविनाश अगर बात करें तो जिन घायलों को निकाला गया है और जो मृतक है उनको निकाला गया, फिलहाल उनको किस तरह की आर्थिक मदद की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, सिविल हॉस्पिटल में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है जो कि घटना स्थल पर भी पहुंचे थे कल भी और आज भी सिविल हॉस्पिटल जाकर जो घायल है उनका हालचाल जाना और जो मृतक के परिजन है उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो तमाम उसके लिए संवेदना व्यक्त की है, लेकिन अभी तक किसी तरीके कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि जो मृतक है या फिर जो ये घटना हुई उसको लेकर किसी तरीके का भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि अभी ये ही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 17 घंटे से चल रहा है, इस मलबे में कितने लोग दबे हैं, तो इसीलिए अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है क्योंकि अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो SDRF का हो लखनऊ पुलिस का वो अभी भी जारी है। जी अविनाश और वकासी, आप दोनों ही ग्राउंड जीरो से जुड़े और हमारे दर्शकों को पल पल की अपडेट दी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहां हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे और हर एक घटना की विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह से घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है, कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और इस पूरी घटना को लेकर पल पल की अपडेट MK न्यूज़ के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल देख सकते हैं आप कि ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं विचलित करने वाली तस्वीरें हैं कि एक इमारत जो 5 मंजिल इमारत है वो अचानक से भरभरा कर गिर जाती है, किसी को खबर नहीं होती है कि इमारत किस तरह से गिरी। हालांकि हमारे सहयोगियों ने यही बताया कि इमारत के नीचे कुछ कार्य चल रहा था, मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, कुछ निर्माण का कार्य चल रहा था और उस दौरान कई मजदूर भी वहाँ मौजूद थे और जिसके चलते ये इमारत से अचानक भरभरा कर गिर जाती है और उसके नीचे कई जो लोग हैं वो दब जाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों को बचा लिया गया है। DGP का यही कहना है कि अभी रेस्क्यू में और समय लगेगा और आप देख भी सकते हैं कि मौके पर JCB मशीन भी है, आर्मी भी है, NDRF की टीमें भी मौजूद हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह घटना घटी है वो काफ़ी पॉश कॉलोनी है और वहां पर रिहायशी इलाका है, ऐसे में बचाव कार्य में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित करने वाली और चिंता का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी इमारत बन जाने के बाद प्रशासन ने इतनी बड़ी इमारत को मंजूरी कैसे दी? क्या ये इमारत जो बनाई गई है क्या प्रशासन के नियमों के अनुसार बनाई गई है? अगर नहीं बनाई गई तो इतनी बड़ी इमारत बनने के बाद आखिर प्रशासन अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठा था अभी तक? तो MK न्यूज की तरफ से पल पल की अपडेट हमने लखनऊ से जुड़ी घटना के बारे में दी, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और पल पल की अपडेट दे रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए MK न्यूज।